क्या लगता है मोदी जी के टक्कर में कौन फेल है? मोदी जी फेल है एकदम से इस बार। मोदी जैसा ना कोई हुआ है ना आएगा प्रधानमंत्री। अच्छा, मैं जो कृष्ण भगवान के जो बराबर में जो मस्जिद है ना, उस जगह पे मंदिर बनने वाला है। अब बनेगा, अब ये बोल रहे मोदी जी अब के इलेक्शन के बाद वही काम है। देश में तो मोदी एक चुनाव जो माहौल अभी बना रखा है वो धर्म के नाम पे। अगर यदि मोदी को चुनाव की बात है तो शिक्षा के नाम पे आ जाए, रोजगार के नाम पे आ जाए। आज पूरा देश जो है, खास करके युवा लोग, नौजवान जो है, पढ़ लिख करके बेरोजगार जो घूम रहे हैं, 2 करोड़ की जो रोजगार की बात किया मोदी, वो रोजगार कहाँ है? हमारे समझ से मोदी जी इस बार नहीं आएंगे, नहीं आ रहे हैं। क्यों आएंगे? बेरोजगार बैठे हैं, इधर घूम रहे हैं, कैसे आएंगे मोदी जी? बताओ, 12-12 घंटे धूप में खड़े रहते हैं, क्या दिए हम लोग को बताओ आप। लोकसभा चुनाव 2024 का जो बिगुल है वो बज चुका है। जी हाँ, हम लोग राजधानी दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर आम जनता की राय जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जनता है और लोकसभा चुनावों में कोई भी चुनाव हो, जनता का एक अहम रोल होता है, क्योंकि जनता ही है जो वोट डालती है। अपनी सरकार वो खुद चुनती है कि उसको किसका काम सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। तो लोकसभा चुनाव है और 19 अप्रैल से वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी और ये 7 चरणों में होगा चुनाव जो है, जिसका नतीजा जो है वो 4 जून को आएगा। जनता के बीच इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, आम जनता यहाँ पर है। हम लोग चलते हैं मार्केट के अंदर और जनता क्या चाहती है, अब की बार किसकी सरकार बने, क्या चाहती है, किसकी सरकार बने, ये जानने की उनसे कोशिश करते हैं। तो चलिए, सरोजनी नगर मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सरोजनी नगर मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। चलिए यहीं से शुरुआत कर देते हैं, कैमरा पर्सन से बोलूंगी, इधर आए, यहीं से ही शुरुआत कर देते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल चंदेल। कहाँ से? मुंबई। मुंबई से सरोजनी नगर मार्केट में शॉपिंग करने आए? हाँ, मुंबई से। एक्सप्लोर कर। एक्चुअली मैं यूनाइटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो ऐसे ही घूमने आया था, 2 दिन छुट्टी थी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोकसभा चुनाव है, वोट डालेंगे आप? हाँ, वोट डालूंगा। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? मुझे मतलब अभी तो मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन मोदी जी की हवा है तो मुझे लगता है मोदी जी आएंगे। मतलब मोदी जी की सिर्फ हवा है, जनता क्या चाहती है? इन द सेंस मैं तो मुंबई से बिलोंग करता हूँ, तो मुंबई में तो ज़्यादातर भाजप और शिवसेना का दोनों का ये चल रहा है, तो ज़्यादातर अभी शिवसेना जैसे स्प्लिट हुई है, तब से भाजप की हवा है, तो मुझे लगता है मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों आएंगे अब की बार, कैसा काम करेंगे? अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, मोदी बहुत सारे मतलब युवाओं को एम्प्लॉयमेंट जैसे काम उन्होंने किए, बहुत सारे के मतलब धार्मिक काम उन्होंने किए, इसकी वजह से मुझे लग रहा है मोदी जी यहाँ पे ज़्यादा इन कंपेयर ऑफ राहुल गांधी मोदी जी आगे। अच्छा, जैसे यूथ के लिए मोदी जी ने क्या काम करा है? मतलब जैसे आप यंगस्टर हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, मुझे मतलब एम्प्लॉयमेंट की समस्या हमारे देश में पहले से सीवी है और अभी भी चल रही है, लेकिन आप अभी देखोगे तो डेवलपमेंट जो हो रहा है, जैसे डिजिटल हुआ है, AI आया है, इनोवेशन हुआ है, वो लग रहा है मुझे कि हमारा कंट्री और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वो डेवलप नहीं हुए, तो ऐसे लग रहा है क्योंकि एडवांसमेंट कुछ तो हो रहा है, और पिछले 14 साल से 10 साल से सरकार है भाजपा सरकार, तो मुझे लग रहा है कि हमारा देश ग्रोथ कर रहा है। मोदी जी नहीं तो फिर उनके अलावा उनको टक्कर देने के लिए कौन है? हाँ, यही तो मतलब जो अपोजिशन होता है, अपोजिशन ये टाइम पे स्ट्रांग नहीं है, तो जो अपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए और उनमें ही बहुत सारे अभी ममता जी जैसे फ्लिट हुई है इंडिया गठबंधन से, तो मुझे लग रहा है कि अपोजिशन अगर स्ट्रांग होता तो मोदी जी से हरा सकते थे, लेकिन अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, जैसे अभी केजरीवाल भी जेल गए, अब हमें पता ही होगा, तो अपोजिशन स्ट्रांग नहीं, इसकी वजह से मोदी जी अभी आगे रहे। जौनपुर से क्या लग रहा है, हवा कहाँ है आपकी बार चुनाव? हमारे यहाँ तो अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव की है? हाँ, सीट ज़्यादा जीतेंगे वो, पक्का पक्का, एकदम डंका बजेगा, बज रहा है। आपको क्या लगता है मोदी जी के टक्कर में कौन फेल है? मोदी जी फेल है एकदम से इस बार। कैसे? इस बार अच्छी रणनीति से सब लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन अच्छी है, विपक्ष कड़ी टक्कर दे सकता है, अच्छी बहुत अच्छी टक्कर दे रहा है इस बार। राहुल गांधी दे सकते हैं? अब PM पर तो अभी क्लियर नहीं है, देखिए गठबंधन से ही कोई आएगा। राहुल गांधी नहीं, अखिलेश यादव PM पद पर आ सकते हैं, सीट के हिसाब से अगर सीट अच्छी खासी निकले तो अच्छे नेता हैं अखिलेश यादव, बहुत चर्चित नेता हैं इस समय। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल बंदर है तो
झूठे केस में फंसाया गया है उन्हें। हाँ, क्योंकि जो जो मोदी जी के रास्ते में आ रहा है सबको अंदर ही कर रहे हैं मोदी जी। झारखंड में भी हो गया है, दिल्ली में भी हो गया है, आगे देखो अभी तो चुनाव चल रहा है, एक डेढ़ महीने समय बचा हुआ है। आपके पर हवा कहाँ है? बीजेपी, यस। 400 पार बीजेपी 100% जीतेगी। मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है? कोई नहीं आएगा टक्कर में। राहुल गांधी जेल जाने की तैयारी है उनकी। अच्छा, केजरीवाल कितना? ये आपके दोस्त अभी बोल रहे थे अखिलेश यादव। सब यादव है ना, इसलिए यादव है। यस, क्या काम करे सब मोदी जी ने जो आप मोदी जी के बारे में? मोदी जैसा ना कोई हुआ है ना आएगा प्रधानमंत्री। यस, इधर आओ। क्या ना कोई अब तक बेचा है, ना कोई बेच पाएगा इतनी संपत्ति सरकार की। तभी तो कह रहा है लड़का मोदी जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा। सही बात। क्या कह रही है आंटी? पहले तेल बिका, फिर रेलवे बिका, एयरपोर्ट भी बिका। किसको वोट डालेंगे आपकी बार? कहाँ की रहने वाली, कहाँ से आएंगे? आप कैमरे में आ रही हैं। कहाँ की रहने वाली, कहाँ से आएंगे आप शॉपिंग करने? हम कानपुर से आए। कानपुर से? आप तो मेरे क्षेत्र की है। प्रॉपर कानपुर से। तो कहाँ किसको वोट डालेंगे आपकी बार? मोदी को नहीं डालेंगे। किसको देखती है? राहुल गांधी को देखती है? देख तो रहे हैं पर मोदी को वोट देना नहीं फिलहाल। मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया? नहीं, हमें कोई प्रॉफिट नहीं है मोदी जी से। मतलब जनता के लिए कुछ अच्छा काम नहीं ना भाई? जो जनता आराम से चल रही थी, जहाँ हम 25 रुपए में चल रहे थे, वहाँ हम 45 रुपए में जब जा रहे हैं कानपुर दिव्यापुर से, तो हमारे लिए तो भाई महंगा ही है। तो क्या देना है वोट जब हमें कोई फायदा नहीं है? तो कहाँ कहाँ के रहने? मैं मथुरा ब्रिज का कृष्ण भगवान के गाँव का। कृष्ण की नगरी के हैं आप, हेमा मालिनी के क्षेत्र के? हाँ मैम। कैसा काम कर रही है वहाँ पर? वो काम वाम तो बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रही है। और चलो चलो, सही है, सही, सही है और बढ़िया। एक मिनट तक इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, उधम काट रहे हैं। दिल्ली में पैदा हुए थे ना मैडम, इसलिए ना वो जल्दी होती है। हाँ बोलिए मैम। काम बहुत अच्छे कर रही है, मोदी जी भी काम अच्छा कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा हो रहा है। अब तो वो हमारे यहाँ पे जो है मंदिर भी अब दूसरा बनने वाला है, बहुत बढ़िया मंदिर बनने का। कौन सा मंदिर की बात कर रहे हैं? मैं जो कृष्ण भगवान के जो बराबर में जो मस्जिद है ना, उस जगह पे मंदिर बनने वाला है। अब बनेगा? अब ये बोल रहे हैं मोदी जी, अब के इलेक्शन के बाद वही काम है। योगी जी ने और मोदी जी ने फोन करके बताया? हाँ नहीं, मैं उसी की पार्टी से हूँ ना। अच्छा। और शुरू था। हाँ क्यों भाजपा की पार्टी के क्यों है पहले तो आप? क्यों, मेरे भाई जीते हुए ना पहले एमपी पार्लियामेंट मेंबर तेजवीर सिंह। अच्छा। हाँ, अब उन्होंने हेमा मालिनी खड़ी कर दी। हाँ। तो उनको टिकट नहीं दी तो उन्होंने वो जीत रहे हैं। अब के मेरे ख्याल में हेमा मालिनी की भी टिकट कटेगी। अच्छा। हाँ लग रहा है मुझे। आपके भाई आएंगे तम्मू में? मैडम तम्मू में बम्मू के बम्मू होते हैं ना, जब बम्मुओं को काम नहीं होते है ना तो हार जाएगी वहां से। अगर उसकी जगह पे किसी दूसरे को नेचुरल को किसी को भी खड़ा करेंगे वो जीत सकता है। अच्छा। हाँ अच्छा, ये बताइए कौन है मोदी जी के टक्कर में? मोदी जी के टक्कर में तो अभी फिलहाल कोई नहीं है, फिलहाल में मेरे को कोई नहीं। राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी जी उनके कोई विचार ढंग के नहीं मिलते। अच्छा। हाँ इस टाइम मोदी जी ने जो काम किया है ना हमारे देश के लिए बहुत अच्छा किया है। पहले देश को कोई नहीं जानता था, आज अच्छा जानते लोग को हमारे देश के अंदर लेके आए, बहुत बढ़िया। वो पहले हमारे ऐसे प्रधानमंत्री है जो और देशों के प्रधानमंत्रियों को हमारे देश में लेके आए। इंडिया का उन्होंने इतना बड़ा नाम कर दिया, मोदी जी ने एक नंबर का नाम कर दिया। और हम तो यही चाहेंगे कि मोदी जी ही रहे और योगी जी रहे। उन्होंने गुंडागर्दी खत्म कर दी, कोई बहन बेटी रात में निकल नहीं सकती थी, अब वो बेच धड़क निकल सकती है। कोई इंसान अपना काम करके आ रहा है उसके पैसे छीन लिए जाते थे, अब वो कुछ नहीं है। पुलिस सख्त है यूपी के अंदर। जय जय मोदी, जय जय मोदी जी। नीति क्या? देखिए देश में तो मोदी एक चुनाव जो माहौल अभी बना रखा है उधर्म के नाम पे। अगर यदि मोदी को चुनाव की बात है तो शिक्षा के नाम पे आ जाए, रोजगार के नाम पे आ जाए। आज पूरा देश जो है खास करके युवा लोग नौजवान जो है पढ़ लिख करके बेरोजगार जो घूम रहे हैं, 2 करोड़ की जो रोजगार की बात की मोदी, वो रोजगार कहाँ है?
जो किसान की बात की, वो किसान की जो बात की वो जा करके जो मुद्दे के जो सवाल है वो मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। वो धर्म के नाम पर ही वोट मांगने का कोशिश कर रहा है, वो धर्म के नाम पे ही जो वोट मांग रहा है, और धर्म के नाम पे देश की जनता देख रहा है, नौजवान देगा इसका जवाब, और आने वाला वर जो है कांग्रेस उसको टक्कर देगी, राहुल गांधी टक्कर देगी, पक्का देगा। इंडिया गठबंधन मतलब मजबूत होगा? बहुत बहुत अच्छा, बहुत मजबूत है। अभी देख लीजिए, एक्चुअली हम झारखंड से है, और झारखंड में वहाँ जो है इंडिया गठबंधन की टक्कर मोदी को भरपूर देगा। इस बार जो है मोदी वहाँ से सफा होंगे, पूरा एकदम गारंटी है कि सफा हो। आप किसको वोट डालेंगे? केजरीवाल? अभी आप दिल्ली में रहते हैं, केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल? केजरीवाल तो देखिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, जहाँ तक महिला के लिए जो है बस सुविधा वगैरह दिया, और खास कर लिए जो है केजरीवाल तो शिक्षा के लिए बेहतर किया। ये चीज़ में से जो आज पूरा देश में लोग देख रहा है, EDI हो, छापामारी हो, ये जो है भाजपा की सरकार तानाशाही सरकार है, जो एक जुमलेबाजी करके लोग को जा करके भ्रमित करके धर्म के नाम पे वगैरह वगैरह के नाम पर के जा करके जो है सो ED के द्वारा जाँच करो, किसी से जाँच करके जेल में डाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो हम केजरीवाल को वोट देंगे, जो लोकतंत्र के लिए जो है लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा रहेंगे, हम उसको वोट करेंगे। सहमत है ये? अभी अखिलेश यादव की तरफ से बोल रहे थे कैमरा पर्सन, सहमत है? गठबंधन से है ना, तो सहमत है, हाँ एकदम, हम तो भाई भाई हैं, UP बिहार झारखंड का भाई है। बस बढ़िया है मैडम जी। क्या काम कर रहे हैं? यही देख लगा रहे हैं, बेच रहे हैं पैजामा, सेल 200 का सेल है। कहाँ के रहने वाले? हम तो UP से हैं। UP में कहाँ से? जौनपुर। या तो बिहार वाले हैं यहाँ पर या तो जौनपुर वाले हैं, मुझे लगता है मिर्ज़ापुर पाटरी यही बना रहे हैं अब। सबसे ज़्यादा जौनपुर यहाँ पर मिलेगा मैडम यहाँ पर। क्या लग रहा है हवा कहाँ की अब की बार इलेक्शन में? हाँ हवा तो लग रही, कांग्रेस तो आ रही है एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया। तो लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं 400 पार। मोदी जी तो हमेशा तो यही बोलते हैं, 2014 से लेकर अभी तक यही बोलना बोल रहे हैं मैडम जी, क्या कर सकते हैं? नहीं मतलब मोदी जी नहीं आएंगे? नहीं नहीं, हम लोग देख रहे हैं रोजगार है मैडम जी, इस पे कर रहे हैं काम, क्या कर सकते हैं, पढ़ाई जो है सब खराब हो रही है इसके लिए। तो क्यों नहीं आएंगे अब मोदी जी, ये बताइए? मोदी जी ठीक हैं, फिर भी जो है अभी सर देखा जाए तो सब वर्तमान में जो है सरकार कांग्रेस अच्छा लग रहा है हर जगह तरफ। आपको क्या लग रहा है कौन? हमारे समझ से मोदी जी इस बार नहीं आएंगे, नहीं आ रहे हैं। क्यों आएंगे? बेरोजगार बैठे हैं, इधर घूम रहे हैं, कैसे आएंगे मोदी जी बताओ? 12-12 घंटे धूप में खड़े रहते हैं, क्या दिए हम लोग को बताओ आप? वो भी ले लिए, दिए थे पैसे, दिए थे आपको? नहीं मैडम, 15 लाख के वादा किए, अभी वादा पूर्व भी नहीं हुआ ना, हम उसी के इंतजार में बैठे हैं कब पूर्व करेंगे। और अगर इलेक्शन से पहले कर दिया तब तो यार मैडम, तब तो उनकी लहर आ जाएगी, लेकिन अभी वादा नहीं पूर्ण किए, ये तो सोचने वाली बात है ना। टक्कर में कौन अच्छा मोदी जी? टक्कर में तो ऐसे तो मैं तो हूँ यूपी से, टक्कर में इनके तो कांग्रेस देने वाली है और देगी। राहुल गांधी आएंगे? हाँ राहुल गांधी फिक्स हो गए हैं। फिक्स हो गए हैं? हाँ। किसने किया फिक्स? अरे फिक्स मतलब जनता करेगी, हम लोग चुनेंगे यहाँ से, और कौन करेगा। अभी कहाँ पर रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं ना? मैं तो यही मार्केट में रहता हूँ, सरोजनी में। आप कहाँ रहते हैं? यही मार्केट से। तो दिल्ली के बारे में कुछ जानते होंगे आप? अभी यही सब चल रहा है मैडम, देख रहे हो आप भीड़ भाड़ में जो है सब कुछ देखा जा रहा है, यही जो है जो ऐसे पहली बार हुआ है शायद कि, जो कि भारत का पहला शायद मेरे हिसाब से ये मुख्यमंत्री जो है जेल में गए हैं। सही गए हैं गलत गए? अब इन्हीं के ऊपर ज़्यादा जांच लगती है, कोई किसी भाजपा के ऊपर जांच किए जाए मैडम जमीनी स्तर से ना, तो हो सकता है उनमें भी काफ़ी लोग जाएंगे। हाँ जाएंगे? जी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अभी कुछ न्यूज़ में सुना था कुछ मोदी किसी के क्या बजट कोई या किसी क्या था यार चंदा के बारे में कुछ खबरत है, चुनावी चंदा के बारे में सुना था। हाँ तो उसमें शायद कुछ आगे पीछे हुआ था। अभी इनके जितने भी इनके जैसे विधायक हैं मंत्री हैं जांच कर दिए जाए, रिकवरी कर दिए जाए मैडम, सब लोग चले जाएंगे जेल में चले जाएंगे। हम जो है इनके क्या नाम है यहाँ के मुख्यमंत्री ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन है उम्मीदवार? अखिलेश यादव, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उनका काफ़ी जो गाँव है सबसे जोश है उनका, देख रहे हैं कि उनका बहुत अच्छे नेता भी है,
जो भी है यूपी से हम लोग बिलोंग करते हैं, राहुल यादव। और इस बार मेरे को लग रहा है प्रधानमंत्री अगला जो है अखिलेश यादव रहेंगे, अगला या फिर यही वाले नेक्स्ट 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 में यही रहेंगे, क्योंकि एकदम उम्मीद है पूरा, क्योंकि हर चीज़ जो है मैडम अलग अलग हो रहा है, जिस तरह से रोज़गार, पढ़ाई, नौकरी नहीं मिल रही है मैडम, काफ़ी एकदम दिक्कत हो रहा है। अभी जो भी पेपर हो रहा है उसमें लीक हो रहा है, बीजेपी सरकार में दिक्कतें हैं, दिक्कतें हैं 2014 से लेकर अभी तक जो है यही सब चल रहा है। क्या करते हैं आप? कॉस्मेटिक का काम करते हैं। कहाँ के रहने वाले? बिहार से हैं। बिहार वाले सारे दिल्ली में आ गए, बिहार में कुछ हो नहीं रहा क्या? बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में तो नीतीश बाबू है। नीतीश तो दल बदल की सरकार है, वो भी कहाँ कुछ कर रहा है, अदल बदल में लगे हुए हैं अभी तो। भाजपा में? हाँ, मैं भाजपा में नहीं हूँ। आप नहीं है भाजपा में? नहीं। अच्छा, अब लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है किसकी हवा है? हवा कहाँ है आपके पास? चुनाव है ना, क्या चीज़ का? दिल्ली में? दिल्ली में जैसे बीजेपी का, देश में ही चुनाव है वैसे तो, लोकसभा चुनाव बीजेपी का। कैसे? ऐसे ही देख रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो तो। क्या हाल है? ठीक है, अपना बताओ। अपना बताएं? अपना तो नहीं बता पाएंगे, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। यूपी में कहाँ से? जौनपुर जिला। जौनपुर से? जी हाँ, जौनपुर से हैं ये। और क्या चल रहा है यूपी में आजकल? यूपी में क्या चल रहा है, यही राजकाज चल रहे हैं, अपने धंधा बिजनेस सब लोग कर रहे हैं। योगी जी पसंद आ रहे हैं? योगी जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, बाबा जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। राहुल गांधी कैसे? राहुल गांधी उतना अच्छे नहीं है फिलहाल तो, उनके राज में क्राइम बहुत था हमारे यहाँ, बाबा जी के राज में क्राइम ठीक है, 60 हुआ। चार पीस हैं क्या? जी हाँ, 120। मोदी जी के राज में कैसे हैं? ठीक है, मोदी जी योगी जी अलग थोड़ी ना है, हैं तो एक ही। अच्छा, क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने आपकी? बाबा जी की। मोदी जी आए तो ठीक है केंद्र में, और राज्य हमारे योगी जी रहे, मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये समझ ये लीजिए 20 रुपीज चेंज दीजिए। मोदी जी हैं क्यों? मोदी जी ने ऐसा क्या काम करा? मोदी जी बहुत सारा अच्छा काम किए हैं, जैसे रोड हो गया, आवास हो गया, हर चीज दिए हैं वो लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए हेल्प हो गई। उनके अलावा कोई पीएम नहीं बन सकता? नहीं, उनके अलावा कोई नहीं। राहुल गांधी है? अगर उनके बाद हैं तो बाबा योगी जी हैं। राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं ठीक है हमारे। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार भी नहीं ठीक है बिहार से। ममता बनर्जी? वो भी नहीं ठीक है, जो बात है साफ है हमारे साथ। जी हाँ, 20 रुपीज चेंज दीजिए आप। मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं फिर इतना? मोदी जी के मैडम क्यों नहीं पसंद करेंगे, जो काम अच्छा करेगा लोग पसंद करेंगे। कैसे? बढ़िया बढ़िया। क्या कर रहे हैं आप? बच्चों को कपड़े दिला रहे हैं। शॉपिंग करवाने आए? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली में ही है? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से कहाँ? पुराने बस स्टैंड के पीछे। श्यामी गेट से। अच्छा, फैमिली के साथ आए? हाँ, बच्चे हैं, दो लड़कियाँ। ये बताइए, अब लोकसभा चुनाव है, हवा किधर है? मोदी की तरफ है, मोदी सबके लिए है। आप किसको वोट डालें? मोदी को डालेंगे बिल्कुल यार। क्यों, क्या काम कर दिया? क्या छोड़ा उन्होंने? मोदी ने छोड़ा ही क्या है? अच्छा, काम गिनवाइए जरा। सारे काम बढ़िया ही हो रहे हैं। 5 साल में जनता के लिए क्या काम? सबको सर उठाने का मौका मिल गया, और क्या चाहिए? आप ही बताओ। पहले लोग डर के चले गए, अब खुल के चलते हैं। बाकी मैं यूपी से ही हूँ। योगी बाबा हमारे तो योगी बाबा ही है। राहुल गांधी हैं टक्कर में मोदी जी के? अरे कहीं भी ना, दूर दूर तक भी ना हो तो अपने साथ। ममता बनर्जी? वो कहाँ कहाँ के हैं? मैं हरदोई जिला का हूँ जी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे बैग बेचता हूँ। मैं चुनावों में वोट डालेंगे? हाँ डालें। किसको डालेंगे? योगी जी डालेंगे, योगी जी हैं, योगी जी हमारे लिए कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं तो योगी की जीत को दोगे वोट? क्या कर दिया हमारे लिए? बहुत कुछ किया है। पैसे क्या है? 2000 रुपये श्रम कार्ड पे भेजा, और उसके बाद ये गैस चूल्हा दिया, फ्री में दिया, और क्या देगा?
बाकी कर ही रहा। और बाकी जो योगी जी की जगह अगर अखिलेश यादव आ जाएंगे तो कोई नहीं, अखिलेश यादव बेकार मान लिया। राहुल गांधी, अरे केजरीवाल है, अखिलेश यादव, ये तो मेरे लिए बेकार है। राहुल गांधी ये कोई नहीं। प्रियंका गांधी, हमारे लिए जो है योगी जी हैं, योगी जी हैं। जय श्री राम। यहाँ शॉपिंग करने बच्चों को साथ? हाँ बच्चे उधर है साथ में। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान, हनुमानगढ़ से। इतनी दूर से सरोजनी नगर? यहाँ रिश्तेदारी है। अच्छा, आप चुनाव है, लोकसभा चुनाव 2024, क्या लग रहा है, किधर हवा है? हवा तो अभी बीजेपी की है। जनता के लिए क्या काम कर रहा है सभी? जनता के लिए देखो, मैं कोई पार्टी कर रही हूँ, जनता के लिए बस सिक्योरिटी है, बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। हाँ, किसको वोट? इकोनॉमी अच्छी चल रही है, मैं भी डिसाइड नहीं किया क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर अभी टिकट मिली नहीं है गंगानगर लोकसभा से, अब मिलेगी उसके बाद में सोचेंगे। लेकिन एक सोच रखा होगा ना कि बीजेपी अच्छे काम कर रही है, तो हो सकता है बीजेपी का कोई कैंडिडेट खड़ा हो, उसको वोट डालेंगे। अभी देखेंगे ना कौन कैंडिडेट है। अच्छा, पीएम मोदी के अलावा और कोई है जो टक्कर में है? कोई नहीं है। मोदी जी अब की बार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? उस सीट के लायक कोई बंदा ही नहीं इंडिया के अंदर, कोई भी नहीं। अभी राहुल गांधी मजाक, एकदम मजाक है, कॉमेडी है, कॉमेडी। अच्छा, नीतीश कुमार? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। ममता बनर्जी? कोई नहीं है, तुष्टिकरण चलता है उनका सारा। ममता बनर्जी कोई नहीं है, लग नहीं रहा कोई, अभी नहीं है। देश की कमान वही संभाल सकते हैं? और क्या, वही संभाल सकते हैं। कहाँ के रहने वाले? यूपी। यूपी में कहाँ? जिला एटा। एटा मुलायम जी की गड़के नहीं है, वाला गड़के मत आइए, बताइए। दबा के होली खेली आपने? होली के दिनों होली ना खेली जाएगी, फिर क्या, लट्ठी थोड़ी चलाई ही आएगी। चुनाव है, किसकी हवा है दिल्ली में? तो बीजेपी की हवा है, और देश में? देश में भी बीजेपी की हवा है, कहीं भी चले जाओ बीजेपी है। अब तो मोदी मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, और बाद में रहेगा योगी जी, वो लेके जाएंगे बाद में, बस यही है दो जान। क्यों, ऐसा क्या काम कर दिया मोदी जी ने आप मुझे बताओ? बढ़िया कर रहे, रोटी खा रहे हैं आराम चैन से बैठ के, मजे में है। कोई टक्कर में है या नहीं है? कोई टक्कर नहीं है। राहुल गांधी है? राहुल गांधी के तो पप्पू हैं, वो तो उनके तोते उड़ गए। अरे उड़े उड़े हुए हैं पूरे तोते राहुल गांधी जी के, तो कहाँ देखेंगे, वो अपना घर नहीं देख पा रहे, क्या दूसरा देख लेंगे? जो घर नहीं बता सकता अपना, तो दूसरे क्या बताएगा? ममता बनर्जी तो है ही टक्कर, वो तो गई दीदी, दीदी तो आप खाएंगी मछली दबा के। कहाँ के रहने वाले? हम झांसी। झांसी के जी। मजे में चल रहा है बहुत? बढ़ गया, गुंडा राज खत्म हो गया बिल्कुल। क्या लग रहा है आपकी बार देश में कौन प्रधानमंत्री? नरेंद्र सबसे आगे, 400-450 भी चले जाएंगे कोई पता नहीं। सवाल भी कंप्लीट नहीं करने दे रहे, पहले बोल दिया 450 मैंने तो। पक्का है जी? निश्चित। ऐसा क्या काम करा है पिछले 5 साल में मोदी जी ने? 500 वर्ष पुराना धन्ना तोड़ दिया मंदिर का, राम जन्म भूमि का, आपको पता नहीं है बेटा, आप होशियार हो खुद ही में, हमसे क्यों पूछ रही हैं आप ये बात? आप बताओ हुआ है ऐसा कि नहीं? कांग्रेस नहीं है क्या मतलब अब तक? कभी नहीं आएगी। कब तक रहेंगे मोदी जी? हम तो जैसे उसके आजीवन वो ही रहे। आजीवन वही रहे? हाँ, जब तक हम जिए जब तक वो ही रहे मोदी जी। मतलब अब तीसरी बार सिंहासन पे बिठाएंगे? वे तो हमेशा बैठे हैं तो वही अच्छा है। अच्छा, खुश हैं आप? हम तो प्रसन्न है मोदी जी से, गुंडा राज खत्म है, ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे, गरीब लोगों का सम्मान कर रहे, बहू बेटी सुरक्षित है कि नहीं, सब लोग सुरक्षित हैं, आज आज आजाद फिर रहे आदमी। राहुल गांधी? नहीं, हम उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। केजरीवाल दिल्ली में रहते हैं, आप केजरीवाल के बारे में कुछ तो बताइए, क्या सोचते हैं उनके, क्या ख्याल है? बढ़िया आदमी है। हाँ हाँ जी अंकल जी, देखिए दिल्ली में तो रहते होंगे ना आप अभी? हाँ, दिल्ली में। केजरीवाल तो अब जेल में है, जेल से सरकार चला रहे हैं, दारू वहाँ से बिछवाएंगे वो बाबू जी, एक के साथ 3 फ्री दी, गरीबों का भट्टा बैठाया, घर में बच्चे रो रहे भूखे, बाबू जी ने एक के साथ 2 बोतल पगुआ 7वें फ्री दे रहे थे, तो क्या होगा, तो अंदर ही जाएंगे जी। जो आदमी अपने बेटा बेटी की सबकी कसम खा के कहता मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, वही काम कर रहा है,
तो उससे बड़ा कौन बेकार आदमी है। मतलब अगर वो जेल में है तो एकदम सही है, लेकिन भाजपा पे आरोप लगाते हैं। गलत लगा रहे हैं ना, चोर तो हमेशा दूसरे की तरफ उंगली उठाएगा ना, ईमानदार आदमी होगा वो उंगली नहीं उठाएगा, चोर तो हमेशा उठाएगा। एक एक करके जा रहे हैं ना, ससोदिया के जी का पहले नंबर, और पहले नंबर कौन थे कहना तो डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब जी, सत्येंद्र जी, अब ये हैं संजय सिंह भी हैं, अभी देखो नंबर एक चौथा है, पाँचवा नंबर है, अभी बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे तभी पब्लिक को होगी। एक बताओ, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, जब इतने एक के साथ दो पौए फ्री कराए थे तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा मरा था, गरीब मरा था या अमीर? गरीब मरा बेचारा, वो तो माल में दारू पीने वाला, उसे फ्री मिल रही है, साली ले लो दो की जगह चार ले लो, चार दुनी चार चौक छोले हो गई, घर में खाने को नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो क्या होगा, करोड़ों रुपये खा के बैठ गए, तो आएगा ही नंबर। शीश महल भी उनका लाजवाब, शीश महल तो वो शीश रह जाएगा उनका, जो रावण का जब शीश कटा था ना, रावण का जब शीश कटा था तो ऐसे ही कटता है, वो शीश रह जाएगा इनका, धड़ खत्म। देखिए हम लोग दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद थे, जहां पर जनता का जो दिल है वो किसकी तरफ है ये आप लोगों ने देखा। कुछ का मानना ये है कि वो इंडिया गठबंधन पर बिलीव करती है, और कुछ लोगों ने कहा कि अब की बार लहर है तो मोदी जी की है, क्योंकि मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं। कुछ का मानना है कि राहुल गांधी अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और कुछ का मानना है कि अखिलेश यादव जो है वो अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो मेरे पीछे से भी, मतलब कैमरा पर्सन के पीछे से भी लोग ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ भाई 100% कि अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी में से कोई एक प्रधानमंत्री हो सकता है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और श्रेष्ठ भारत देखते रहें, कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।